तो दिन रहा हमारा बहुत ही ज्यादा बेकार रहा है, कैसे बताएं आपको। तो इमरजेंसी में हमने दिखा दिया है, अब इमरजेंसी से दो एम्बुलेंस बुला दी है, एम्बुलेंस आ रही है, तो हम एम्बुलेंस में जाएंगे दोस्तों। मैं ना अल्ट्रासाउंड ले जाना भूल गए थे, तो अब हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों पहले तो हमारी तरफ से सुबह की राम राम। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7 और अक्षय जी को रात से दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो दोस्तों हॉस्पिटल मिलते हैं, और आपसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है दोस्तों, तो हॉस्पिटल में मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम हॉस्पिटल आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या बताते हैं मैडम। दोस्तों हम जल्दी जल्दी में ना अल्ट्रासाउंड ले जाना भूल गए थे, तो अब मैं जल्दी से आया हूँ अल्ट्रासाउंड लेने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों डॉक्टर ने बताया है अभी इनकी डिलीवरी के लिए टाइम है, तो इनको बच्चे घूमने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी इनको रात को, जो कि सुबह भी थी, तो अब ये ठीक है। तो बाकी डॉक्टर 9 बजे आएंगे, तो इनका कुछ टेस्ट वगैरह होगा, तो उसके बाद में देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी डॉक्टर या नर्स कोई नहीं है, तो इतने अक्षय जी से बात कर लेते हैं, क्या बात है क्या नहीं है आपको। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, आशा करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डॉक्टर बता रहे थे बच्चा घूम रहे हैं, तभी दिक्कत हो रही है, अभी तो पड़ी है 10-15 दिन तो लेगा बच्चा, फिर देखते अभी टेस्ट वगैरह कुछ कराएंगे। बता रही है मैडम तो खून कम, फिर से दोबारा खून कम बता रही है, तो दोस्तों आप लोग दुआ करो हमारे लिए कि सारे अच्छे होंगे। दुख की बात है तो खून कम हो जाए तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी बच्चा, अभी दिक्कत हो रही है मुझे। तो अभी मैडम आएगी, फिर 9 बजे आके फिर टेस्ट होगी, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोग से दोबारा। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपको जैसे डॉक्टर आ जाएंगे 9 बजे के बाद, तो फिर जो भी रिपोर्ट जो भी रिजल्ट मतलब टेस्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो ठीक है फिर दोस्तों, इतने मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद में। तो दोस्तों यहाँ से हमें बड़े हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, पता नहीं कोई दिक्कत होगी या एम ब्लीडिंग की कोई दिक्कत होगी नहीं, तो हमें यहाँ से बड़े हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, तो इन्होंने एम्बुलेंस बुला दिया है, एम्बुलेंस आ रही है, तो हम एम्बुलेंस में जाएंगे दोस्तों। तो नहीं देखो अभी वॉशरूम बहुत आ रही है, इनको दिक्कत हो रही है, तो बड़े डॉक्टर आ रखे, और बड़े डॉक्टर ने लिखा है कि भाई बड़े हॉस्पिटल में जाओ, सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे और मिलेंगे। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं एम्बुलेंस में, अक्षु जी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमने जब सुबह ना टेस्ट कराया था तो अक्षु जी को ब्लीडिंग की शिकायत हुई थी, तो ब्लीडिंग की शिकायत आने पर तो बड़े डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया, उन्होंने ना हमसे बिना पूछे एम्बुलेंस को फ़ोन किया और बोले कि आप लोग को रेफ़र किया जाता है बड़े हॉस्पिटल में, तो आप डायरेक्ट सीधा हॉस्पिटल जाओ और अपने साथ में किसी लेडीज को बुलाओ। तो दोस्तों मैंने तुरंत ही ना अपनी मम्मी को कॉल कर दिया, खैर तो मम्मी जी को फ़ोन करने के बाद अब मम्मी जी हमें रास्ते मिलेगी, तो हम मम्मी जी को रास्ते से उठा लेंगे, तो हम साथ में निकल जाएंगे। तो अभी पता है दोस्तों मुझे इतना समझ है नहीं तो लेडीज की क्या प्रॉब्लम, दोस्तों आपको तो पता है। तो दोस्तों फिर सीधा हॉस्पिटल मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सामने जो आप एम्बुलेंस देख रहे हो, इस एम्बुलेंस में मैं आया हूँ अपनी वाइफ को लेके, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से डॉक्टरों ने हमें यहाँ पे भेज दिया। दोस्तों वो एम्बुलेंस जा चुकी है, अब देखते हैं क्या होता है, मतलब अब उसको यहाँ पे रेफर कर दिया यहाँ बड़े हॉस्पिटल में, अभी इमरजेंसी में लेके गए हैं अब उसको डॉक्टर। तो इमरजेंसी में हमने दिखा दिया है, अब इमरजेंसी से डॉक्टर ने भेजा है 57 नंबर पर, पर्ची कटा के 58 नंबर में जाना है। तो दोस्तों हम वहीं जा रहे हैं, अब थोड़ी देर में मिलते हैं दोस्तों। नहीं नहीं मैं ढूंढ लूँगा 58 नंबर, कोई नहीं, ठीक है फिर दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। अब तो जी थोड़ी सी सही भी लग रही है। बिना फिर जाना है, चलो बाथरूम चले।
भी नहीं पा रहे। दोस्तों काफ़ी देर हो गई है अफसू जी को, कभी इधर ले जा रहा हूँ मैं, कभी उधर ले जा रहा हूँ, हैं तो अभी डॉक्टर के पास बैठी है, बैठे हुए हैं तो डॉक्टर अभी बता रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं उनको, कुछ ना कुछ दिक्कत है उनको, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो आशा करो दोस्तों कि कुछ ऐसा कुछ ना हो, बस यही है और कुछ नहीं चाहता मैं तो। दोस्तों घबरा तो बहुत गया था जब मैं एम्बुलेंस की बात करी थी सर ने, अब क्या बोले दोस्तों, टेंशन तो हो ही जाती है एकदम से, कुछ इतना कुछ होता है तो। कोई नहीं दोस्तों, एक बार मैं उनको देख लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5 और मैं अपने घर पर, अब ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है हम दिन भर कितनी मतलब भागा थोड़ी कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर। आज दोस्तों हमने 3 हॉस्पिटल बदले, 3 हॉस्पिटल, कभी इधर से उधर, उधर से उधर। तो आज इनको ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है दोस्तों। हम क्या बताएं, हम आने और जाने का आपको दिखा भी नहीं पाए, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, क्योंकि दिमाग इतना ख़राब हो रहा था, कभी ख़राब ही नहीं होया, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो बस इसी वजह से आप लोग को आने जाने का अभी दिखा नहीं पाए। तो फिर आगे खास तो बच्चे जब भी हो सकते मतलब ज़्यादा मतलब बोल रखते हो, कभी भी हो सकता है, मतलब 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी, अगर हो सके तो जल्दी भी हो सकता है, कोई मतलब डेट फिक्स नहीं है हमारी, है मतलब सॉरी इनकी डेट फिक्स नहीं है बच्चे होने की, तो इस वजह से दोस्तों दिन का ब्लॉक इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि बहुत थके हुए आ रहे हुए थे। तो खाना वाना लाया मैं बाहर से बनाने की, मतलब थी नहीं ना इनकी, ना मेरी, ना मम्मी की, तो भाई हम तो खाना ला के खाए पूपे आराम से सो गए, फिर अभी उठे हैं। तो अभी उठ के मैंने अभी चाय बना दी है, तो अभी चाय पी ली है बस, ठीक है। तो दोस्तों ये बताना चाह रहे थे, तो दोस्तों एक बार कमेंट में हमारे लिए कुछ अच्छा था लिख देना कि भाई हाँ भाई जो कुछ भी हो अच्छे तरीके से हो, घबराने को बात नहीं, टेंशन को बात नहीं है। तो दोस्तों बस अपना हमारे ऊपर प्यार बनाए रखे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में।